Continue with the event. It's our dharma, please let us do this. And thank you so much for settling down. We're in the midst of a legend. आशा जी, मैं ये बता नहीं सकती कि कितनी गर्व की बात है हमारे लिए कि आज आप यहाँ पे हैं हमारे साथ इस मंच पे. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Asha Bhosle. We can do better. Standing ovation is what a legend like her truly deserves. So, आशा जी, जो प्यार झलक रहा है यहाँ पे. मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज मैं इतने सारे लोगों से मिली हूँ और जितने भी लोगों ने मुझे बताया कि वो यहाँ आ रहे थे, सबने सबसे पहली बात यही की कि हम आ रहे हैं आशा जी को देखने के लिए. तो आपने देखा कि किस प्रकार का प्यार आपके लिए है. पर मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपके जो सफ़र रहा है. आप 8 सितंबर को यू आर गोइंग टू बी 90. लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज गोइंग टू टर्न 90. व्हाट अ फैबुलस जर्नी इट्स बीन. और आपने हमेशा कहा है कि आप गाना नहीं चाहती थी, आप काम करना नहीं चाहती थी, आप फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी आशा भोसले ने इतना कर कुछ कर दिया है. इतना कर करके भी आप अभी भी रिटायर नहीं हो रही हैं. आप चाहती मैं रिटायर हूं? बिल्कुल नहीं चाहते कि आप रिटायर हो. जब छोटी थी तब ये ठीक है थोड़ा सा. Can we get the sound up on Asha ji's mic, please? हाँ जी बोलिए. मैं जब छोटी थी गाना तो गाती थी, सीखती भी थी पिताजी से, लेकिन इतना ध्यान नहीं था, ना स्कूल में ध्यान था, ना कुछ किसी चीज़ में. खेल 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 चाहिए और खाना चाहिए. मलाई बहुत खाती थी मैं. मलाई बहुत खाती थी? अभी खाती हैं कि नहीं? खाती हूँ. मलाई खाती हूँ, दूध बहुत पिया है मैंने. और सब लोग बोलते हैं आजकल दूध नहीं पीना चाहिए, तो मैं तो पी चुकी हूँ. और इसीलिए मैं शायद यहाँ आज हूँ. मुझे लगता है वो मलाई जो है वो काम आई है मेरे. फिर उसके बाद पता नहीं हालात ऐसे हो गए कि मैं गाने लग गई. गाना नहीं चाहती थी फिर भी गाने लग गई. पता नहीं नसीब क्या चीज़ है, कुछ पता नहीं, अब हमको नहीं पता पता होता. फिर मैं गाने लग गई, फिर गाती गई और आज तक गा रही हैं आप. जी हाँ, आज तक गा रही हूँ. बीच में बहुत बार सोचा कि अभी छोड़ दूँ, अभी बच्चे हो गए हैं तो छोड़ दूँ. फिर नहीं, तकदीर ही ऐसा झटका मारती थी कि गाना ही पड़ता था. तो इतना जनजी कैसे लूं मैं, मुंह में डालूं क्या? जरा आवाज बड़ी करिएगा. कैन वी थोड़ा सा अगर आप ऐसे पकड़े तो शायद बेटर रहेगा. अगर थोड़ा सा कैन वी जस्ट इंक्रीज द ऑडियो प्लीज फॉर आशा जी माइक एज मच एज पॉसिबल. हाँ जी ठीक है. हाँ अभी ठीक. बढ़िया. तो फिर से गाने लग गई, फिर से गाने लग गई और गाती रही हूँ और गाती रहूँगी.
गाती रही हैं और गाती रहेंगी। और आज जब हम बात कर रहे थे, आप अब दुबई जाएंगी, अपना जो 90th बर्थडे है वो आप सेलिब्रेट करेंगी एक शो के ज़रिए, और ये 3 घंटे का शो होगा, और आप गाने वाले ना ही सिर्फ अपने गाने पर आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो आपने नहीं दर्शाए हैं, आपने नहीं गाए, वो भी आप गाएंगी। सो अ ट्रिब्यूट टू द स्टार्स, ट्रिब्यूट टू द परफॉर्मर्स ऑफ All of these years that you've been performing. तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं अब तक परफॉर्म करूँगी और अपने 90th बर्थडे को इस तरह सेलिब्रेट करूँगी? हर नामवर आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरी बीवी मेरा एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं एक्सपायर जी एक्सप्रेशन देती है जी, हाँ, और वैसे मेरा बेटा है जो मेरा बैकबोन है वो मुझे खड़ा रखता है। नहीं तो मैं कभी का मतलब वो हो जाती थी, नर्वस हो जाती, कभी कुछ होते, वो होने नहीं देता है। और ये जो शो है वो उसी का बनाया हुआ है कि उसकी माँ उसको, मैं इतनी प्रिय हूँ कि उसने बोला 90th बर्थडे कोई किसी कोई गाता नहीं है इस उम्र में, और तुम गा रही हो अभी तक, तो मैं जोरदार शो करूंगा लाइक ब्रॉडवे, लाइक ब्रॉडवे। एंड दैट इज द ट्रिब्यूट दैट हर सन हु इज हियर विद अस, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल ऑफ अस एन अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली सी हर इन एक्शन, इन लाइव एक्शन वंस अगेन। आशा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा था, ये 1991 की बात है, और 1991 में आपने आपसे जब पूछा गया था कि आप कैसे देखती अपने सफर को, और आपने कहा था मैं जैसे बिल्डिंग की 7वीं मंजिल होती है उस पर बैठ के देखती हूँ, कि एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर की तरह देखती हूँ कि मेरा किस प्रकार का सफर रहा है। आज 90 ईयर्स ऑन, आप किस प्रकार से अपने जर्नी और अपने सफ़र को देखती हैं? असल में देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि आदमी कुड़ जाए कि कितना मैंने दुख सहा है, कितना मैंने कुछ किया है, ये वो नहीं करके मुझे ऐसा लगता है कि वाह, इतना कुछ पार करके मैं आई हूँ, आज इतना पार करके आई हूँ कि किसी औरत के लिए नारी शक्ति है, शिव है, शक्ति नहीं है तो शिव भी नहीं है, वो शव हो जाता है। तो शक्ति जो है वो हर औरत में है, हर औरत उसको पहचानती नहीं है। अगर वो अपनी शक्ति जान जाए तो वो बहुत काम कर सकती है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतने साल मैं सब मेरा कारोबार चला रही हूँ, मतलब बच्चे बड़े होने तक, कितना मुश्किल है कि एक औरत, अकेली औरत, 3 बच्चों को बड़ा करना, उनको स्कूल भेजना, उनके लिए खाना पकाना, उनके कपड़े देखना, उनको क्या संस्कार देने हैं क्या नहीं करना है, ये सब देखते हुए फिर दिन रात काम करना है, रिकॉर्डिंग जाना है 10 बजे, रात के 2 बजे आना है, ऐसे ऐसे मैंने लाइफ झेली है। फिर उसमें भी लोगों के, आपको जानती हैं, ताने वाने सुनना, उसको भी हंस के मज़ा लेके ताने सुनना करना, और जैसे इग्नोर करना दुनिया को, ऐसे इग्नोर किया मैंने और मैंने अपना काम करती गई। आपने जो कहा है कि दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे, दुनिया का काम है बोलना, लेकिन आपने इग्नोर किया और आपको जो करना था वो आपने किया। आपने शक्ति की बात की और कहा कि सब नारियों में ये शक्ति होती है, पहचानने की थोड़ी बहुत देरी लग जाती है। आपको कब पता चला, क्योंकि आपने कहा यू वर अ सिंगल मदर, आपने फाइनेंशियली अपना जो थे अपनी इंडिपेंडेंट थी काफ़ी बिगनिंग से, तो आपने ये जो शक्ति थी आपको कब ये महसूस हुआ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ? काफ़ी लेट हुआ, मतलब 19-20 साल में ये मुझे लगा कि मैं, जब मुझे मतलब अलग हो गई, हो कर दिया, फिर उसके बाद मैं अकेली खड़ी थी सड़क पे और मैं सोच रही थी मैं अब कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो एक अपना गला ही अपने साथ है, तो फिर आगे काम चलाती रही और
बच्चों को लेके कैसे मैंने क्या ज़मीन कैसे फ्लैट लिया क्या किया, काफ़ी लंबा मामला है तो ये मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मैंने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बड़ा किया क्योंकि मैं काम करती थी उनके लिए। मुझे अगर अगर कोई पूछे कि तुम किस लिए काम करती हो तो मैं बोलती थी मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे बच्चों को बड़ा करना है, सिर्फ गाने से खाना नहीं मिलता है तो मुझे पैसा चाहिए था क्योंकि पैसा बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो पैसे के लिए मैंने काम किया, जो काम मिला वो करती गई। इस बेटे के बाप ने मुझसे कहा था कि दाने फेंकते जाओ कभी ना कभी पेड़ आएगा ही आएगा, कोई ना कोई पेड़ आएगा, ये उन्होंने कहा था। और एक बात कही थी कि अगर खाना नमक के बगैर हो तो नमक के बगैर खा लेना लेकिन पड़ोस में जाके नमक नहीं मांगना। तो ये दो चीज़ें मैंने संभाली, इन उन दो चीज़ों से मैंने किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाया, काम के लिए भी नहीं हाथ फैलाया और काम करती रही। बस मैं बोलती थी कि पैसा मिले चाहे नहीं मिले मैं गाऊंगी ज़रूर, कोई ना कोई पेड़ ज़रूर आएगा। तो ऐसा ही हुआ, कोई ना कोई अचंभे से गाना चल पड़ा और फिर आशा भोसले सबको पता हो गई। बिल्कुल। और आशा जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हमने आपकी अभी फिल्म देखी और इतने सारे जो फिल्म स्टार्स हैं जिनकी आप आवाज़ बनी है, मधुबाला से लेके माधुरी दीक्षित तक, उर्मिला मातोंडकर से लेके जीना तमान तक, और इतना बड़ा आपने जो सफ़र तय किया है, लेकिन आपकी एक जो डिस्टिंक्ट क्वालिटी रही है और काफ़ी कंपैरिजंस भी होते रहे होंगे आपके और लता जी के बीच में, लेकिन आपने एक कॉन्शियस डिसीजन किया था कि वो उनका स्टाइल है, आपका स्टाइल अपना होना चाहिए। तो ये आपने कैसे अपने जहन में ये तय किया था और उस स्टाइल को फिर कैसे होन करती गई, क्योंकि इतने सारे किरदारों के लिए आपने आवाज़ दी है, इतने सारी महिलाओं के लिए आपने आवाज़ दी है, तो वो प्रोसेस कैसा होता है कि अब मैं जीना तमान के लिए कैसे गाऊँ, माधुरी दीक्षित के लिए कैसा गाऊँ, मधुबाला के लिए कैसे गाऊँ? बचपन से हम बहनों की आवाज़ एक थी तो मैं अगर उसके जैसा ही गाती तो मुझे कोई नहीं बुलाता। वो अगर बोलते कि जी लता है तो आशा का क्या काम है, आशा तो इतना अच्छा नहीं गाएगी लता जितना गाती है, ऐसे तो लोगों में होता ही है। तो हमारे में कहावत है कि नक्ट भाव पर धाकट हो नहीं, मतलब नक्टा होना अच्छा है लेकिन छोटा होना, बहन छोटी बहन जो होती है ना उसको हमेशा छोटा गिना जाता है, तो ये हमेशा से हुआ है। तो मैंने अपनी स्टाइल बदल दी, कहा कि दीदी जैसा नहीं गाना है, दीदी जैसा उसको नकल नहीं करनी। आज बहुत नकलें होती हैं उनकी, तब से लेके नकल हो रही हैं, तो नकल नकल होती है, असल असल होता है। तो मैंने अपना असल बनाना चाहती थी, मैं आशा भोसले अपना नाम कायम करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने अलग 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 देशों के गाने सुने, अलग अलग इंग्लिश बोलते इटालियन स्पेनिश, कोई भी मैंने ये संगीत छोड़ा नहीं, और मैंने सुनती गई और अपने आवाज़ को चेंज करती गई, अपनी भावनाओं को उनको देख के सोचती थी कि ये कैसे गा रही हैं, ये कैसे करना है। ऐसे करते करते फिल्मों में मैं वही करने लग गई और लोगों को कहा ये बहुत अच्छा स्टाइल है, ऐसा कोई गाता ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे स्टाइल का गाना कोई भी नहीं गा सकता था उस वक्त, तो मुझे अच्छा लगता था। लोगों ने काफ़ी ट्राई तो किया है, लेकिन ट्राई तो सब करते हैं और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई अच्छा कुछ करना चाहता है, अगर वो नकल भी करता है तो अच्छे के लिए करता है, मुझे इसमें कुछ नहीं है। मेरी जलने की आदत नहीं है कि ये ऐसा हुआ तो वो मुझे चाहिए ऐसा वैसा, वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके नसीब में जो है उसको मिलेगा। मेरे नसीब में था, मुझे मिला कि नहीं, क्योंकि मेरे नसीब में था, मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, मैंने बहुत दुख काटे हैं लेकिन मिला मुझे। ऐसे सुंदर बच्चे मिले, ऐसे सुंदर पोता पोती वगैरह मिले हैं, सब सब अच्छा है। मुझे जलन नहीं किसी से, मैं खुद ही बोल रही हूँ, मैं बड़ी दिल की औरत हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो मेरा प्रेशस चीज़ भी होगी ना, मुझे मालूम है कि इससे मेरा बहुत नाम होने वाला ये है वो, मैं उसको छोड़ के आ जाती हूँ। मैं इतनी बड़ी ईगो नहीं है, ईगो नहीं है,
ईगो नहीं है, इसलिए मैं लोगों को बहुत पसंद हूँ। लोग मुझे गाने से ज़्यादा पर्सन से पसंद करते हैं। आशा भोसले मैं कैसी हूँ, वैसे उनको पता है कि ये बहुत साफ बोलने वाली औरत है, ये सबसे मिलनसार है, सब है, वो उनको पसंद है। मैं इसलिए उनके घर की सदस्य बन गई हूँ। गाना सुनते हैं वो, गाने से मेरे को पहले जाना है, लेकिन बाद में घर का सदस्य बना लिया। बिल्कुल, घर का सदस्य है। और आई थिंक यू आर द सबकॉन्शियस ऑफ द नेशन। अगर हमें प्यार हुआ किसी से तो आपका गाना मन में आता है, दुखी हुए तो आपका गाना मन में आता है, जो भी एक इमोशनल जो जर्नी होती है हमारे जहन में, आपके गाने तो ज़रूर याद आ जाते हैं। लेकिन आशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज आपकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर है, शी इज़ ऑल्सो attempting to get into the music business, and आप उनसे क्या कहती हैं जब आपकी conversation होती है, वो कहती हैं कि उन्हें भी आपके जैसे बनना है और आपके जैसे सफ़र करना है, तो आप उन्हें क्या कहती हैं? वो मेरे से बहुत ज़्यादा talented है। आपसे ज़्यादा talented है? क्योंकि वो कथक डांस 5 साल से सीखी है, उम्र के 5 साल से वो कथक में एकदम ठीक है, मॉडर्न डांस में भी अच्छी है, एक्टिंग भी करती है, गाना भी गाती है, तो मुझसे ज़्यादा उसमें है। बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। I heard you, I'm walking up to her because this is your grandmother has said that you're as talented as her. आज तुझा आवाज चांगला नहीं, गाना गाऊ नकोस। She's already giving you instructions from stage, is it? A tribute to your grandmother. नमस्कार। तो ये गाना एक्चुअली मेरे ग्रैंड आंट लता जी का है, और ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इन दोनों से कोई कनेक्शन मिल जाता है। फिर अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, ना वो समझ सके ना हम। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ स्पॉट। आशा जी पास हो गई। अभी उसको तराशना है। आप अभी भी रियाज करती हैं, रोज रियाज करती हैं? जी बिल्कुल। कितने घंटे करती हैं आप रियाज? मैं जब मन में आए, जब जैसे वक्त होता है ऐसे बैठ जाती हूँ। रात को 12 बजे भी बैठती हूँ, और सुबह 7 बजे उठती हूँ, कभी 5 बजे उठती हूँ। मैं, मेरा ऐसा बंधन नहीं है कि मैं अभी सुबह ही करूँ या रात, कभी भी बैठती हूँ। हाँ, मेरे नौकर बहुत तंग आ गए मेरे से। जब देखो गाती रहती है, जब ताले मारती रहती है। पर ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक थोड़ी रेबेलियस भी रही हैं, आप बहुत रही हैं, बहुत रेबेलियस रही हैं, कि आपकी मम्मी ने कहा था कि बाल नहीं काटने चाहिए, लेकिन आप जब बचपन में आप खुद ही गई और बाल कटवा के वापस आ गई। 13 साल की थी और नाना चौक में कोई, उस वक्त तो आज से कितने साल पहले, मतलब 44-45 की बात है, तब तो औरतों के लिए कोई दुकान होता ही नहीं था बाल काटने का, कुछ नहीं था ना, अभी जैसा है सलून वलून। तो उस वक्त मैं बाजू में एक क्रिश्चियन आदमी का दुकान था डेबेलो करके, उसके दुकान में सब आदमी लोग बैठे दाढ़ी वाड़ी कर रहे थे, तो मैं जाके अपने बाल कटवा के आ गई। माँ ने इतना मारा है मेरे को, बहुत मारा। मैंने कहा आ जाएंगे बाल, तो क्यों मारती है मेरे को। और उस टाइम सभी लोग वाइट साड़ीज पहनती थी, लेकिन आपने डिसाइड किया था कि आप कलर पहनेंगी। मुझे अच्छे लगते कलर, लाइट पिंक बेबी ब्लू, जैसे स्काई होता है ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं पहनती थी। लेकिन हमारे घर में सब दीदी वगैरह सब सफ़ेद पहनते थे, बॉर्डर वाली साड़ी। तो आशा भोसले इज़ अ कलरफुल पर्सनैलिटी। जी।
और आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि आपका जो आपके साथ जिन्होंने गाया है 900 गाने गाए मोहम्मद रफ़ी साहब ने आपके साथ और आपके फेवरेट सिंगर रहे हैं, एक अगर कोई गाना हो जो आपके सफ़र को कैप्चर करता है वो बताइए, जो आपका कोई फेवरेट गाना हो या जिसने जिससे आप अभी भी इंस्पायर होती हैं, जिसको आप सुन के मूव होती हैं, कोई भी गाना। वैसे मेरे किशोर से ज़्यादा आप किशोर जी का गाना, इतने गाने एकदम से कोई याद नहीं आता है, तय करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए। जिंदगी, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर गला जरा जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आशा जी थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, we have to do this for Asha Bhosle. She turns 90 on the 8th of September. Can we all sing a very happy birthday to her in advance? Ladies and gentlemen, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Asha ji, happy birthday to you. भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब के हाथ से मुझे अवार्ड मिला है, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत आपकी आभारी हूँ और आई लव यू। आशा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशा ताई हियर।